भाग ले बस ज्यादा नहीं छी ठीक छे इधर इधर बोल सकते हैं हमारे यहाँ ऐसा ही होता है गया परफेक्ट हो गया है कोई कास्ट नहीं कोई कास्ट नहीं ये सारा सामान उठ करके इसमें जाएगा भाई सर से फूल भी निकल जाता है देखो नहीं किस तरह का डिजाइनिंग मम्मी तो अभी नहीं आएगी बाद में आएगी मम्मी टिक 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 नमस्कार आप सभी को और साथ ही साथ बोलिए जय छठी मैया जय छठी मैया नहीं रहा कौन आगे तो कहियो ना था बोलिए जय छठी मैया तो अभी क्या है ना जा रहे हैं घाट बनाने के लिए बहुत जन जा चुके हैं और मैं भी जा रहा हूँ कुंदन भी आ रहा है ठीक है और मैं भी जा रहा हूँ अभी और ये सब देख रहे हैं सूरज बी एल ब्लॉग नहीं सूरज बी एल ब्लॉग देखे क्या क्या देखे हैं हम की रे कोमल तो पहले आ गए यहाँ पे क्या बात है कोमल ए कोमल और ये देखिए ये है अपना तालाब जैसे कि आप सभी को दिखाए थे तो पहले मतलब पहले प्लान था उधर बनाने का लेकिन उधर एडजस्ट नहीं हो पाऊंगा पता है क्योंकि जगह नहीं है तो ये साइड में आ गया हम सुदीन साहब देखा ना इस साइड में बनाएंगे ऐसे करके साइड से ठीक है ऐसे करके रहेगा चंदन है कपिल है रमन है देख लेना मस्त बनाओ 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 जल्दी जल्दी बनाओ चंदन भाग ले बस ज्यादा नहीं छी ठीक छे काम में आता एकरा साइड करू कने ओयो अथी में चौकी लगाल जते ना तो गैप गाल में ओय में द दे गैप फटा के डाल देबे हां चंदन कुछ बोलना चाहते हैं पब्लिक के लिए हम लोग छठ मना रहे हैं हाँ, मिट्टी खोदना पता है लेकिन मिट्टी नहीं खोद करके चौकी लगा रहे हैं हम लोग इतना तो हो गया इधर सुदीन का इधर मेरा और भी इधर जो जो लगाएंगे अपना लगा लेंगे इधर मस्त है भाई है ना बेंच या चौकी लेके आना पड़ेगा चंदन बाबू लग चुके हैं घट्टा साफ करने के लिए देख सकते हैं और बाबू को डर हो रहा है कि यहाँ पे यूं वाला तो नहीं है चंदन देख के कहीं पकड़ लेला तो फिर हम सब नहीं पकड़ा वहाँ के चचा को एकदम लगे हुए हैं फोन पे बोल सकते हैं हमारे यहाँ ऐसा ही होता है आप लोग इधर कृष्णा है इधर 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 कृष्णा है उधर पता नहीं वो कौन है कौन है तो भाई साहब यहाँ पे ये बेंच लेके आ गया हूँ देख रहे ना इधर सुदीन लगा रहा है कुट्टा लगाओ गया एकदम परफेक्ट हो गया है सुदीन इस साइड से कृष्णा ठंडा भी लग रहा है नहीं ठंडा नहीं लग रहा है कोई कास नहीं कोई कास नहीं ऊपर जा ऊपर जा ये बीमार हो गया कौन बीमार हो गया ये चौकी तो चंदन जी अभी प्लास्टर करेंगे यहाँ पे चलिए दिहाड़ी कितना है सर जी आपका मुझे भी करवाना है दिहाड़ी कितना है आपका दिहाड़ी कुछ नहीं है बस एक ठकवा दे दीजिएगा हाँ ठीक है मेरा अरे भाई 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 और नीचा भगल हाँ हल्का सा और हल्का हाँ बस बेसी भगल भैया बहुत ही भगल दूर भगल ढीला भगल है नहीं भगल फर्स्ट क्लास भगल है गर्दा भगल है जियो सुधीर इसको दूर भगा रहा हूँ बस हो गया अब साइड से छीलते हैं इसको अच्छे से मस्त हो जाएगा एकदम चकाचक साढ़े दस हो रहा है ठीक है और फाइनली अपना जो घट्टा है वो बन के तैयार हो गया देख लेना मस्त लगा दिया घट्टा तो बन गया है बस जो एक्स्ट्रा बांस था वो लेकर के जा रहा हूँ घर पे तो घर पे बहुत ज़ोर से भूख लग गई है जल्दी जल्दी नहाना है पूरा कपड़ा गंदा हो गया देख रहे लोलिए अकेला कहाँ है अकेला मल भोग साढ़े 300 में अले तेली के यही केला तो हम चाहते थे यही आए तो अभी तुरंत नहाया हूँ और अभी क्या है ना अभी यहाँ से जाते हैं अंधरा ठाड़ी सुमन भाई की दुकान में उनको कॉल किए थे जो मुझे एक जींस लेना है ठीक है तो देखते हैं जा करके
अभी आ गया हूँ दुकान पे, सुमन भाई के दुकान पे। देखिए ना, बहुत बेचते हैं भाई साहब, बहुत बेचते हैं, क्योंकि आज है ना छठ पूजा, आज ही है तो बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और इधर चंदन भी आए मेरे साथ में, कुंदन का भाई। नहीं शायद आप सब नहीं जानते होंगे इनको। जींस लिया हूँ ये वाला, ठीक है, देखिए आपको ना यू ठीक लगे हैं। से तो घर पे आ गया हूँ, और यहाँ पे देखिए मम्मी क्या बना रही है। ये है ठेकुआ, देख रहे ना ठेकुआ। ये आटा मतलब चावलों का नहीं आटा है, मैं कि गेहूँ का, चावल का आटा, गेहूँ का आटा, उसके बाद में गुड़ चीनी वगैरह सब मिला करके। ये देखिए इस तरह, अरे तेरी के कोमल को देखिए, वीडियो में दिखाया था ना सभी को जो कितना बर्तन होगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 देख रहे ना, है कि नहीं 11 दिखा कि नहीं 11 ठो है। कल जो ये सारा सामान उठ करके इसमें जाएगा। इनको हम लोग चंगेरा बोलते हैं, ये कोनिया बोलते हैं इनको, एक ये ढकना हुआ, ये भी कोनिया ही हुआ, ये सूप हुआ वो भी ढकना हुआ, और ये माने पथिया, और ये हाथी देख रहे ना हाथी। अब इनको भी जाना है मदना, मतलब बोले तो बाजार, इनको भी कुछ कपड़ा लेना है, समझ रहे ना। काले है तो क्या हुआ, दिल वाले है कि हम ना ना हम ऐसे नहीं थे, गोर थी हमारा नहीं हो सके। भाई सर से फूल भी निकल जाता है, देखो नहीं किस तरह का डिजाइनिंग अच्छा खासा निकल जाता है। तो अभी जा रहे हैं, मम्मी तो अभी नहीं आएगी, बाद में आएगी मम्मी, बट तैयार होगी अभी देख रहे ना। और अभी मैं ये जी अकेला लाला वहाँ बाद में पूजा करने के लिए आएगी मम्मी। ये पतिया माथा पे, वैसे माथा पे रखूँगा फिर निकलूँगा। बहुत ही मैं काफ़ी सालों के बाद में ये माथा पे मैं लेके जाऊँगा, बहुत ही खुशी मिलती है जब ये माथा पे लेके जाते हैं चंगेरा, तो क्या ही बताऊँ। अभी निकल रहे हैं तो फाइनली घाट पे तो आ गया हूँ, ठीक है। अब एक उतारने वाले चाहिए जो कि चाची आ रही है यहाँ पे। हाँ सर जी। ओ भाई साहब भारी लग रहा है। और यहाँ पे अपना ये वाला, ये है अपना यहाँ पे आ गए, दीपक जी भी आ गए हैं। अब जा करके सर थोड़ा सा हल्का हुआ है, ये वाला है यहाँ पे रख, ऊपर पे लोग ना ठीक से ठीक से। कोमल भी आ चुकी है, उधर जो गाछ लेने को से गाछ काट काट के पोखरे में फेंक दिया, देखिए आता है अगली लकड़ी सूख ले देना पहले पकड़ बच्ची। अब सर जो आप कैसी है देखिए कुछ नहीं तो यहाँ पे अच्छे से सजा दिए देख रहे ना। और भी कुछ सामान मैंने रह गया है, तो अभी अंजनी जा रही है, चाची भी गई है, मम्मी कुछ देर के बाद में आएंगी ठीक है। लेकिन उधर भी लोग सब आ ही रहे हैं उधर, अभी तो बहुत जनाना बाकी है, बहुत जनाना बाकी है। वो चौकी भी खाली है, ये चौकी भी खाली है, ये चौकी भी खाली है, ये भी खाली है, अभी बहुत सारा खाली है। चंदन भी आ चुके हैं। अरे भाई भाई इधर मैच का भी बुरा हाल हो रहा है। अरे भाई साहब कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना छठ पूजा? पिछला बार तो तुम बोलती भी नहीं थी कि बोलती थी पिछला बार छठ पूजा में बोलती थी क्या बोलती थी? छठी मैया। मम्मी भी आ गई अभी, इधर 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 बोल। अभी तो देख रहे ना पूरा भर चुका है, देख रहे ना पापा यहाँ पे। बढ़िया में
5:21 हो गया है और बहुत जन चले भी गए हैं, दिख रहे ना, सारा सामान सब समेट लिए हैं, अभी निकल रहे हैं। अब सुबह में आएंगे, 3:30-4 बजे आ जाएंगे यहाँ पे सुबह में। ओह भाई, अभी तुरंत लेके आया हूँ वो। अरे भाई, बहुत सालों से माथा पे वेट उठाया नहीं। सुबह के 4:06 हो रहा है, ये देखिए 4:06 हो रहा है और अभी उठ गया हूँ और ब्रश वगैरह कर लिया हूँ। कुछ देर में निकलूंगा यहाँ से घाट पर जाने के लिए। ठीक है ठीक है, देखिए पूरा अंधेरा ही है भाई साहब अभी इधर, और ठंड भी लग रही है अभी। यहाँ पे हमारे घर के पास में जो तालाब है ना, वहाँ पे भी पूजा हो रहा है, देख रहे ना, यहाँ पे भी एक लाइन से लगा हुआ है। यहाँ पे तो आ भी गया ये लोग सब, हम लोग भी निकलेंगे यहाँ पे। देख रहे ना, मम्मी सो रही है अभी। माँ रो, दिक्कत को ना नहीं। देखिए मम्मी मुस्कुरा रही है अभी भी, देख रहे ना, सब तैयार है। देखिए और इधर खाना भी बन रहा है, अभी सुबह सुबह खाना भी बन रहा है। देख मंगला, तू भी उठ गया, मंगला उठ गया, तू भी चलेगा, चलो चलो। घाट पे आ गया हूँ, यहाँ से शुरुआत है, अभी तक तो कोई आया ही नहीं है। कोमल मधु आई है, अच्छा चंद्रिका आई है। कोमल के सुतले है तो उठ लेना है। अरे भाई भाई कोई नहीं आया है, हम सर सेकेंड या थर्ड नंबर में हम। अरे भाई साहब, पकड़े चाची। इस तरफ में ना सबसे पहले हम ही आए हैं, अभी तक कोई आया नहीं है, फर्स्ट में हम ही आए थे। उस तरफ में एक जन मेरी छोटी चाची और एक जन और आए हुए हैं बस, और इस तरफ में तो सबसे फर्स्ट में हम ही हैं, पहला व्यक्ति हम ही है यहाँ पे कदम रखने वाले, इसकी खोज हमने की है, देख रहे ना। सुबह 7:30-8 बजे तक में ये पूजा संपूर्ण हो जाएगी, फिर से मैंने उसके बाद में अगले छठ पूजा का इंतजार रहेगा, जो कब आएगी छठ पूजा, कब आएगी छठ पूजा, है ना। तो भाई साहब अच्छा लग रहा है, और ऐसा जगह पे हूँ, जब भी रात को यहाँ पे इधर आ नहीं सकते थे, शाम को बहुत डर लगता था, अभी देखिए ना 4 बजे भोर में आ गए हैं। ये जंगल है इधर भाई, जंगल उंगली माल डाकू का। हम बचपन में ये जंगल का नाम उंगली माल डाकू रखे हुए थे। लगभग में सब कोई आ ही गए हैं, सुबह तो हो गया है, अभी तक सूर्य देवता निकले नहीं है, ठीक है, दीनानाथ निकले नहीं अभी तक, इधर गीत शुरू है, बहुत कोहरा है ना, कोहरा है ना, इसलिए अभी तक निकले नहीं। कोमल ओ भाई भाई भाई, ड्रोन शॉट कुंदन कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बताते बता रहे यार कुछ। ऐसा अभी 6:30 हो रहा है, देख रहे ना, सूर्य देवता निकल गए हैं और माँ अभी जल में उतर गई है, देख रहे ना, अभी अर्घा देना शुरू हो जाएगा, देख लियो। तो पीछे में कोई खड़ा है, इनको आप पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? पता नहीं, कौन है आप? पता नहीं। गला क्या हुआ, गीत गा रहे थे। हो गया पूजा, अभी मम्मी आ रही है वापस, अभी खत्म, पूरा सामान सब इकट्ठा करके निकलेंगे घर। 7 बज रहा है, 4:30-4 बजे ही आए थे भाई साहब। छठ पूजा हो गया, नेमा आ जाओ घर पर, पाँचों पांडव वो सब भस जाएगा, पानी नहीं चला जाएगा। देख ना मम्मी का चेहरे पे खुशी, इतना ये होने के बाद में भी, इतना उपवास रखने के बाद में भी देखो ना खुशी कमी नहीं हुआ। अरे बउआ, तो आखिरकार घर पे आ गए हैं, और मम्मी अभी मंदेश्वर स्थान भी जाएगी पूजा करने के लिए, फिर वहाँ से आएंगी, उनके बाद में ये सब प्रसाद वगैरह
ये प्रसाद सब खाएंगे, ठीक है। पैर में गिट्टी सब चुभा है वो, मैंने तकरीबन 500 मीटर भी नहीं होगा, हाँ 500 मीटर के आसपास में होगा, वहाँ पे जहाँ पे तालाब है, जहाँ पे छठ पूजा किए थे। तो रोड है ना, मेन रोड है, मेन रोड से जाते हैं, बिना चप्पल के गए थे ना, बिना चप्पल का ही जाते हैं। पैर में पूरा गिट्टी सब चुभ रहा था रोड पे, बाप रे बाप, बहुत सालों से बिना चप्पल का चले ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं, चलना चाहिए। आ गए घर पे, क्या पता है, अब फिर से इंतज़ार है अगले साल छठ का 2024 का, बेसब्री से। और ये देखिए सूर्य देवता, दीनानाथ, आदित्य, आदित्य मल, दीनानाथ, बहुत सारे नाम रखे हुए हैं इनका।